मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा बोले कि बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो और देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। और आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है। बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? तो बाबा ने कहा कि बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज हमें अभी मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। और आज मुरली का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर के द्वारा। कैसे बोलते हैं? शरीर के द्वारा। बाबा कहते हैं ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। कहेगा कोई ऐसे? बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ के हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। बाबा कहते ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बाबा कहते फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना, ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो कि सारी दुनिया तो अब दुखी वाली हो गई ना, दुखी करने वाली हो गई, दुख से भरी हुई हो गई। बाबा कहते हैं तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है और बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो, हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। बाबा कहते हैं कई बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ये नया ज्ञान है ना, तो सब पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं और कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों ने घबराना नहीं है, आपने युक्ति से उनको बोलना है। तो क्या कहना है कि हम, मैं अभी कच्चा हूँ, मुझे किन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, मैं बड़ी दीदी को बुला के आऊँगा या आप वहाँ उनके साथ चलो मेरे साथ वहाँ उनके पास, तो वो रिस्पॉन्ड देगी आपको। बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो, शिव बाबा समझाते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि बाबा ने ऐसा कहा, बाबा बोले, भगवानुवाच। क्या कहते हैं बाबा? मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले जैसे लौकिक में भी होता है, एक आपको मेथड समझ आ गया फिर आप दूसरा मेथड या फिर उसको इलेबोरेट कर सकोगे, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं पहले एक बात समझेंगे फिर वो आगे ठहर सकेंगे ज्ञान में। बाबा कहते हैं तो पहले पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच। शिव बाबा कहते हैं कि, क्या कहते हैं बाबा? कि माँ में कम याद करो, उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है,
पर यह तो देखने में भी नहीं आता। शिव बाबा का शरीर तो ज्योतिबिंदु बाबा के, तो वो तो देखने में भी नहीं आता। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वह क्या चीज है यह बिल्कुल ही नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान या देख सकती है। वो कहते कैसे हो सकता है। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसी को पता नहीं है। क्या नहीं पता कि आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। वैसे पता है उन्होंने आत्मा शब्द सुना हुआ है भक्ति मार्ग में कि सबके अंदर एक आत्मा होती है, वो ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं किनको डिटेल में नहीं पता, कहते हैं कि आत्मा है लेकिन आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा ये पता ही नहीं। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है और आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, है ना। हम ही पूछते कि कैसे करें फिर। यह थोड़ी किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके, बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। बात तो सामने वाला होगा तभी तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं ये बातें जब आत्मा और परमात्मा आमने सामने होंगे तब मिलेंगे, तभी तो करेंगे। दुनिया को यह पता ही नहीं कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। बाबा कहते हैं ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सबका मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। शास्त्रों के आधार पर बाबा कहते ना तो आप मुझे जानोगे ना अपने आप को जानोगे। वह तो कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा। बाबा कहते ऐसा कहने से क्या होता है, हमको पति से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो, क्या कहते हो, कि जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक हैं। इसलिए कहते हैं ना हम लौकिक में कि ये तो भगवान को मानता ही नहीं है तो नास्तिक है। बाबा कहते हैं वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। देखो बाबा ने कितना अच्छा हमें समझाया। बाबा कहते लौकिक में क्या कहते कि मंदिर नहीं जाते भगवान को नहीं मानते इसलिए नास्तिक है। तो बाबा कहते आप तो भक्ति नहीं करते हो, जाते नहीं हो, कर्मकांड नहीं करते हो। तो बाबा कहते तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे ही नहीं देखे होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, ठीक है, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की। तो बाबा कहते पूछो उनसे ऐसे क्वेश्चन, फिर देखें क्या बताते हैं। तो बाबा कहते तुम समझते हो, क्या हमको क्या समझ आई कि सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो
तो लड़ाई की बात ही नहीं। पापा ने कहा कि अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं। बाबा कहते अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है, दिखाते हैं ना बच्चों को, पिक्चर से पढ़ते हैं वो। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, क्योंकि चित्र हैं, जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो कैसे पता चलेगा। बाबा कहते सब चित्रों में सारी नॉलेज है। तो बाबा ने कहा कि तुम इस चित्रों के द्वारा सारी नॉलेज को, सारे ड्रामा को जान गए हो। यह सारा चक्र बुद्धि में है, यह सारी नई बातें और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। बाबा कहते नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को फिर आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, ठीक है ना। पहले बाप की पहचान होगी, अपनी पहचान होगी, फिर तो उस ज्ञान की पहचान होगी ना, तभी तो वो बुद्धि में बैठेगा ज्ञान, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते रहेंगे। बाबा कहते तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंच ते ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। बाबा ने कहा कि हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, और कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो रजाई हो। बाबा कहते नरक में तो रावण की रजाई है, हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो क्या कि पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, यह गारंटी है। देखो बाबा गारंटी कर रहे हैं कि मुझे याद करोगे तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाओगे, यह गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं, कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना है, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब पावन है और कलयुग में सब है पतित। बाबा कहते पतित बहुत होते हैं और पावन थोड़े होते हैं, सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह मुश्किल है, जो तुम सारी दुनिया को मत दो,
अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। बाबा कहते पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच और तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भगीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। बाबा कहते पहले तो समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। देखो मुरली में आज बाबा ने कितनी बार बोला है कि मुझे याद करो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, सेम वर्डिंग बाबा ने बहुत रिपीट की है। बाबा कहते पतित से पावन बनो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे, आएंगे ना कहीं से। पतित पावन आते हैं तो पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी, तुम पवित्र बन जाएंगे फिर पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच से ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो, पहले पावन थे अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो, यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। बाबा कहते यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। क्या समझाना है? मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाएगा। बाबा कहते पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देखो फिर बाबा ने यही लाइन कही, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बच्चे भी कहते हैं ना लौकिक में, बस करो अब कितनी बार मुझे कहना है। तो पेरेंट्स तो क्या कहते हैं कि बोलेंगे तो तुम्हें याद रखोगे ना, ऐसे ही सेम बाबा हमको कहता है। बाबा कहते हैं पहली मुख्य बात है मुझे याद करना, मन मना भव, मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, लेकिन अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकारों में नहीं जाना है। बाबा कहते समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है, सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। और सेकंड पॉइंट है कि पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है।
बाबा ने हमें वरदान दिया। बाबा कहते कि मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वालों को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। ओम शांति।